नमस्कार दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत जानकारी वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं, आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आप भी फ्रॉड से बन सकें, कैसे कैसे फ्रॉड होता है। और ये रियल घटना पर आधारित है, ऐसे नहीं किसी पर। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कैसे फ्रॉड होता है, तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। फटाफट मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ा देता हूँ कि इसमें क्या है कि ये आप 2 रुपये का नोट देख सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत इसमें हेडलाइन छपी है कि 2 रुपये के पुराने नोट बेचकर 1 लाख रुपये कमाने चली युवती के लूट गए 50,000 रुपये। ये फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, आप भी इसको ध्यान से देखिए कैसे होता है। इसमें लिखा है ये कहाँ का मामला है, ये भी आप जान लीजिए, बीरभूम पानागढ़ का मामला है। इसमें लिखा है कि सोशल मीडिया साइट्स और कई न्यूज वेबसाइट पर पुराने नोट और सिक्के के बदले लाखों रुपये कमाने की खबरें आपने भी पढ़ी होगी। इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि सभी लोग झूठ बोलते हैं। इसमें यही हुआ कि एक पश्चिम बंगाल की एक युवती के साथ ऐसा हुआ जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूँ, तो इसको ध्यान रखिए। इसमें देखो, पश्चिम बंगाल की छात्रा ने 2 रुपये के पुराने नोट के बदले 1 लाख रुपये कमाने चली थी, उसके बदले उसके 50,000 लूट गए। जानिए कैसे, तो इसमें एक वेबसाइट के जरिए इसमें चुना लिया गया, तो इसमें ये लाखों रुपये का सजबाग दिखाया गया, उसको झांसे में आ गई और 50,000 रुपये की ठगी कर ली। ये मामला आप यहाँ देख सकते हैं कि घटना बीरभूम जिले की सिरडी थाना अंतर्गत मल्ली गुनापाड़ा के वार्ड संख्या 8 में घटी। पीड़ित एक कॉलेज छात्रा है, ये कॉलेज छात्रा थी, उसका नाम सृजनी विश्वास है। इसमें इसने एक FIR भी दर्ज करवाई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं, अब जानते हैं कि इसका मामला क्या था। बताया कि एक वेबसाइट पर 2 रुपये के पुराने नोट की तस्वीर दी गई थी, उसके पास 2 रुपये का नोट था और 1 लाख रुपये देने की बात की गई। अब तो युवती के पास भी नोट था, इसलिए उसने अपनी जो तस्वीर है, जो 2 रुपये की अपलोड करते समय ईमेल और कुछ ज़रूरी जानकारी उसमें डाल दी और उसके पास एक ईमेल आया। ईमेल पर उसने कहा कि मैं आपका नोट खरीद लेता हूँ, आप 1 लाख रुपये, अगर मामला 1 लाख रुपये में सेट हुआ। उसने अपने व्हाट्सएप नोट जो व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस पर उसने नोट की कुछ ही तस्वीरें भेज दी। उसने कहा कि बैंक ऑफ अमेरिका के नाम से 1 लाख रुपये की रसीद भेजी गई है। मैंने ये वीडियो आपके लिए पहले भी बनाया गया था कि कैसे किस किस तरीके से कैसे कैसे फ्रॉड होता है, उसमें मैंने ये तरीका बताया था, ये बैंक ऑफ अमेरिका के नाम से रसीद भेजना। तो उसमें लिखा गया कि 5,000 रुपये भेजने होंगे, क्योंकि वो अमेरिका से पैसे भेज रहा है। इसमें देखो, ये 5,000 रुपये भेजने होंगे, अमेरिका डॉलर को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए इतने रुपये खर्च हो जाएंगे। युवती ने बिना कुछ सोचे समझे 5,000 रुपये भेज दी। आपको बता दूँ, कोई भी किसी भी तरीके से आपको 1 रुपया नहीं भेजना है। इसने देखो 5,000 भेज दिए, एक आप इसको समझना चाहिए। फिर देखो 6,100, 18,000, 22,000 इस तरह मिला के 50,300 रुपये इसने भेज दिए। ये किसकी गलती है, साथ साथ में इस युवती की गलती है, क्योंकि हमने भी बहुत से वीडियो बनाए हैं और भी बहुत से वीडियो हैं, इसमें बताया गया है कि फ्रॉड कैसे होता है। इसमें 50,000 रुपये इसने लगा दिए। अब देखो, ये उस 2 रुपये नोट के बदले मिलने वाली रकम के साथ जोड़कर ये पैसे वापस मिल जाएंगे। उसने कहा कि आपको 1 लाख रुपये वो प्लस 50,000, ये 1.5 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो तब उस युवती को समझ आया कि ये ठगी का शिकार हो चुकी है और उसने पुलिस की शरण ली। मामले की जाँच चल रही है, लेकिन इसमें कार्रवाई होने की बहुत संभावना कम होती है, क्योंकि फर्जी नंबरों से होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा देर लगती है। इसलिए आपको बचना चाहिए। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा कि ये फ्रॉड है। लगभग फ्रॉड होते हैं 99.99%, और जो सही होते हैं वो पहले कभी कोई पैसा नहीं लेते। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। और वीडियो देखिए, मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, आपको मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसमें मैंने 2-3 तरीके बताए हुए थे कि कैसे वो लोग उसमें अपना जो होता है कि भाई किस तरीके से वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। वे वीडियो देखिए, पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।